वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। एक हमारे पास प्रश्न आया है, देखे गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम राहुल खेतान है। मेरा एक प्रश्न है कि क्या तुलसी जी को घर की छत पर लगाना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों, और अगर लगा सकते हैं तो किस दिशा में लगाना चाहिए? तुलसी कई प्रकार की होती हैं, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, कौन सी तुलसी घर में लगानी चाहिए और कौन सी तुलसी किस दिशा में लगानी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। सार्वजनीन प्रश्न है। देखिए आजकल लोग फ्लैट में रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं, तो उनके पास अपना भूमि स्थल है ही नहीं जहाँ वे तुलसी का रोपण कर सकें। तो अपनी जो भी ठाकुर बाड़ी है या जो भी पूजा का स्थान है, तुलसी है, वो सब उनके अपने ऊपर ही भवनों में, फ्लैटों में स्थित हैं। तो वे लोग क्या करें, तुलसी को वहाँ रखें या न रखें, एक तो ये प्रश्न है। तथा तो दूसरा जो इन्होंने पूछा है कि कई प्रकार की तुलसी होती हैं, तो कौन सी तुलसी को और कहाँ स्थापित करें, तो ये हम सब लोगों की समस्या है। देखिए कई प्रकार की तुलसी हैं आयुर्वेद में, धर्मशास्त्रों में तुलसी की प्रजातियों का वर्णन है। लगभग 8 या 10 प्रकार के तुलसी जी के जो है रूप हैं, तो वे सभी पूज्य हैं। कहाँ लगाएं तुलसी को, तो ये देखिए जो पवित्र स्थल हैं वास्तु के हिसाब से, ईशान कोण में, पूर्व में, उत्तर में, और मुख्य रूप से तो घर के मध्य में, आंगन में, ब्रह्म पद जिसको कहते हैं, उसमें तुलसी का रोपण अत्यंत प्रशस्त है। जैसे कोई कहते हैं कि भाई गाय की सेवा करनी चाहिए, तो भाई कैसी गाय हो, श्वेत हो, रक्त हो, पीत हो, है ना, कि श्यामा गाय हो, भाई कौन सी गाय की पूजा करनी चाहिए? अरे भाई हमारे भारतवर्ष में जो भी देशी गाय हैं वो लगभग 4 दर्जन के करीब प्रजाति हैं गाय की, गोवंश की, और वे सब भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई हरियाणा की गाय है तो वो मध्य प्रदेश वाले उसकी पूजा नहीं कर सकते हैं, या कोई मध्य प्रदेश की गाय है तो वो जो है वहाँ कर्नाटक में उसकी पूजा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष की सभी प्रजाति हैं, उन सबकी देसी ही संज्ञा है, वो सब शुद्ध गोवंश है। जो कि आजकल जैसे है विदेशी गाय, उनको छोड़ करके वो सभी पूज्यां हैं, रंग से कोई भेद थोड़ी होगा। इसी दृष्टि से वो तुलसी जो है वो सभी पूज्य हैं, सभी पूज्यां हैं। किसी भी तुलसी की पूजा करें, जो भी जिस देश में स्थल पर जो आरोपित करने का, वपन करने का, स्थापित करने का जो वहाँ उनका बन सके, क्योंकि हर वृक्ष हर जगह नहीं संभव हो सकता। ये जो अभी हमने हरिद्वार में देखा ऋषिकेश में, वहाँ की तुलसी अलग है। वे तुलसी जो है शरद ऋतु में भी नहीं जाती हैं, वसंत में, और ये तुम्हारे शीत ऋतु में, ये हेमंत ऋतु या शिशिर में भी, कितना भी कोहरा पड़े, पाला पड़े, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। वहाँ बर्फ पड़ती रहती है, वहाँ भी तुलसी होती है, और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है तो तुलसी सूख जाती है, तो वे तुलसी अलग है। एक वन्य तुलसी होती है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जंगलों में, वहाँ बहुत है उसको, वो लोग कुछ अलग अलग अपना नाम लेते हैं। आयुर्वेद में देखा तो उनका नाम भी तुलसी है, तो वो नहीं जाती हैं, वन्य तुलसी है।
सर्दी में, कितना भी सर्दी हो, और फिर वो जो ग्रीष्म ऋतु में जंगल में सूख जाती हैं, फिर अलग बनती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में वो तुलसी की प्रजातियां अलग अलग हैं। उससे कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये श्यामा कम महत्व वाली हैं या रामा कम महत्व वाली हैं या वन्य तुलसी को हमने घर में लगा दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब तुलसी पूज्या हैं और सब तुलसी की पूजा सेवा कर सकते हैं। जैसे माता पिता कैसे भी हों, किसी भी प्रकार के हों, उनमें ऐसा नहीं देखना है कि भाई रूप रंग या उनकी अवस्था स्थिति गुण, वे सब पुत्र के लिए सभी प्रकार के जैसे भी उसके माता पिता हैं वे सभी स्थिति परिस्थिति में संपूज्य हैं। गोवंश सदा ही पूज्य है, शालक ग्राम ब्राह्मण सदा ही पूज्य है। इसी प्रकार ये तुलसी देवी भी जिस भी रूप में जैसी भी हों, जिस देश परिस्थिति में जैसी जैसी तुलसी होती हैं वे सभी पूज्या हैं। और उनकी स्थापना बड़े पवित्र रूप से, मुहूर्त भी रहता है इस रूप में, इस मुहूर्त में तुलसी जी की स्थापना की जाए। तुलसी की ही क्या, यहाँ तो एक वृक्षारोपण का भी मुहूर्त है, कोई वृक्ष बीज बपन का मुहूर्त है और बीज से पहले हलक प्रवहन का मुहूर्त है कि कब भूमि को कर्षित किया जाए, जोता जाए, किस मुहूर्त में, किस मुहूर्त में बीज का बपन हो, किस मुहूर्त में वृक्षारोपण हो। तो यहाँ तक की विशेषता तो तुलसी जी के लिए भी है। ये ज्योतिष शास्त्र में सब प्रशस्त है, वहाँ आप देख ले, अन्यथा अपने पवित्र स्थान में पवित्र जगह पर तुलसी का रोपण होना चाहिए और अवश्य ही तुलसी की सेवा पूजा करनी चाहिए। सदगृहस्थों को सभी वर्ण आश्रम धर्म वाले तुलसी की सेवा कर सकते हैं, किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, तुलसी की सेवा करें। माता बहनें 3 दिन की जो स्थिति होती है तो वो 4 दिन तक पूजा नहीं कर सकती हैं, 5वें दिन से वे भी पूजा कर सकती हैं। सब लोग तुलसी का सिंचन करें। यहाँ तक बतलाया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को जो वेदाध्ययन करने से, नित्य वेद पाठ करने से जो फल होता है, माता बहनों को या चतुर्थ आश्रम वाले लोगों को, चतुर्थ वर्ण वाले लोगों को, वो फल तुलसी के सेवन करने से, गो की सेवा करने से, गौ की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है, भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तुलसी का सिंचन, तुलसी की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तुलसी जी की परिक्रमा 1, 3, 4, 5 अथवा 108 ये परिक्रमा करने का विधान है अलग अलग स्थलों पर। तो इस तरीके से तुलसी की सेवा परम आवश्यक है और वो अपने घर में ऊपर भी लगाया जा सकता है, कोई भी ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। जब वहां रह रहे हैं तो वहां तुलसी की सेवा अवश्य होनी चाहिए। हर हर महादेव।